नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। खाद्य तेल की कीमतों में और राहत संभव, विदेशी बाजार में भाव गिरने का मिल सकता है फायदा। कांग्रेस विधायक का अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हमला, कहा कुछ ने नेहरू और सोनिया गांधी के नाम पर 2-3 पीढ़ियों के लिए बना ली दौलत। मोदी बनाम केजरीवाल होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, सीबीआई छापे के बाद बोले सिसोदिया। एक के बाद एक साजिश से रच रहा चीन, अब हैकर्स की मदद से भारत सहित कई देशों की कर रहा जासूसी। दिव्यांगजन को फ्लाइट लेने से नहीं रोक सकेगी एयरलाइन, डीजीसीए ने किया नियमों में संशोधन। छत्तीसगढ़ स्कूलों में लगेगी स्मार्ट क्लास, 45,000 से अधिक शिक्षकों को हर साल मिलेगी ट्रेनिंग। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की आक्रामक रणनीति तैयार, मोदी शाह करेंगे धुआंधार रैलियां। कोरोना के खिलाफ जंग में बहुत बड़ी कामयाबी, भारतीय वैज्ञानिकों ने वायरस के कमजोर पार्ट को खोजा। SBI ने बदला ट्रांजैक्शन का नियम, ATM से 4 बार से अधिक कैश निकालने पर कटेंगे ₹173। तेजी से वायरल हो रहा है फेक मैसेज। योगी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया कैशलेस मेडिकल कार्ड का तोहफा, प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगा मुफ्त इलाज। अर्थव्यवस्था में मजबूती जारी रहने के संकेत, आने वाले समय में कम होगी महंगाई, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट। अगले महीने भारत आ सकती है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, रोहिंग्याओं की वापसी पर होगी बातचीत। भारतीय खिलौने से खेल रहे यूरोप, जापान और अमेरिका के बच्चे, बढ़ा निर्यात, खिलौना उद्योग में देश बन रहा आत्मनिर्भर। सेफ्टी से समझौते के मूड में नहीं गडकरी, बताया पिछले साल 13 लाख वाहन हुए रिकॉल, लाए गए कई सुरक्षा नियम। IRCTC से बुकिंग करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर, रेलवे ने डेटा बेचने वाली मीडिया रिपोर्ट्स को बताया झूठा। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तेजी से बढ़ रहा कोरोना, मिजोरम में 30% हुआ पॉजिटिविटी रेट। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को राहत, सरकार ने EKYC पूरा करने की डेडलाइन बढ़ाई, अब समय सीमा 31 अगस्त 2022 कर दी है। दिल्ली में वाहन चालकों के लिए जरूरी नियम, प्रेशर हॉर्न बजाने पर देना होगा ₹10,000 जुर्माना। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की मुहिम। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं पड़ेगा भटकना, छत्तीसगढ़ में RTO का काम होगा आसान, खुलने वाले हैं मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर परिवहन सुविधा केंद्र। नितिन गडकरी के खिलाफ भी एक दिन हो सकता है CBI का इस्तेमाल, नागपुर में बोले कन्हैया कुमार। सूखे से निपटने के लिए एक्शन मोड में बिहार सरकार, डीजल पर ₹75 प्रति लीटर दे रही सब्सिडी। झारखंड में मंडराया सूखे का संकट, किसानों की बड़ी चिंता, कृषि विभाग ने सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट। इमरजेंसी में खतरनाक हथियार खरीद सकेंगे सैन्य बल, कम समय में चीन पाक को मिलेगा जवाब। झारखंड वासियों के लिए अच्छी खबर, हेमंत सोरेन सरकार आज नई पर्यटन नीति 2021 का करेंगे शुभारंभ, मिलेंगे रोजगार के नए अवसर। रेलवे भी अपने कर्मचारियों का करेगा 360 डिग्री मूल्यांकन, फीडबैक को रखा जाएगा गोपनीय। अब लड़कियों और लड़कों के नहीं होंगे अलग स्कूल, समान शिक्षा पर देश के केरल राज्य ने उठाया कदम। आम आदमी पार्टी तलाश कर रही ओडिशा में सियासी जमीन, तैयार कर रही है BJD BJP के विकल्प बनने की रणनीति। LAC के पास चीन की बड़ी साजिश का खुलासा, नए हाईवे का निर्माण कर रहा है ड्रैगन, सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया सच। केंद्रीय कर्मचारियों का जल्द ही खत्म होगा इंतजार, 6% तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। अब मुफ्त नहीं होगा UPI पेमेंट, अब हर भुगतान पर चार्ज लगा सकती है RBI। कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारी, कोरोना बूस्टर डोज के लिए चलेगा अभियान। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को मिला 300 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर, 20 महीने में तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम को करेगा डिलीवर। लंपी रोग की रोकथाम के लिए हरियाणा ने बनाया टीका, 2 महीने में मिल जाएगी मंजूरी। अल्लू अर्जुन ने पान मसाला शराब का ऐड करने से किया इनकार, लोग बोले बॉलीवुड वालों साउथ के सुपरस्टार से कुछ सीखो। सरकारी नौकरी के लिए एक बार ही देनी होगी डिटेल, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी, पैसे और टाइम दोनों की होगी सेविंग। मंकी पॉक्स को लेकर ICMR अलर्ट, संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए कर रहा है सीरो सर्वे पर विचार।
बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने की तैयारी, मंडलों का दौरा कर सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे योगी। कुछ सालों में बर्बाद हो जाएंगे अरब देश, तपेगी धरती मिट जाएगा इंसानों का नामो निशान, आ गया महाखतरा। महंगाई का लग सकता है एक और झटका, बिजली का बिल बढ़ने की आशंका क्योंकि 76 मिलियन टन कोयले का आयात करेगा भारत। डिजिटल डेटा की सुरक्षा को लेकर सरकार ला सकती है नया कानून, शुरू में केवल डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को करेगा कवर। कैसे डबल होगी किसानों की आय, एक टॉफी के बराबर रह गया है 1 किलो प्याज का दाम। किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी का बड़ा ऐलान, मिलेगी पूरी बिजली, नहीं कटेंगे अन्नदाताओं के ट्यूबवेल कनेक्शन। अगला कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार या बाहरी, असमंजस बरकरार, चुनाव की प्रक्रिया में हो सकता है विलंब। मछली पालकों और पशुपालकों के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 0% ब्याज पर मिलेगा लोन। 4 दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए धर्मेंद्र प्रधान, देश में शिक्षा को और मजबूत बनाने का है लक्ष्य। फडणवीस बाला साहेब के नाम पर वोट मांग रहे हैं, यह मोदी युग खत्म होने का संकेत, उद्धव ठाकरे का हमला। यूपी में ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूल लाने की तैयारी, टीचर्स बना रहे डेटा, दोबारा मिलेगा एडमिशन। देश के 28,000 गांवों में प्रदूषित भूजल, सिर्फ 792 गांव में लगाए गए वाटर प्यूरिफायर संयंत्र। कभी थी जय बीरू की जोड़ी, आज कुर्सी ने बनाया जानी दुश्मन, बघेल और टीएस सिंह देव की लड़ाई से कहीं कांग्रेस के हाथ से न चला जाए छत्तीसगढ़। कश्मीरी प्रवासियों के नामांकन के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं, मतदाता सूची को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दी सफाई। लंपी स्किन डिजीज को राजस्थान ने की महामारी घोषित करने की मांग, हरियाणा गायों और मवेशियों का मिशन मोड में करेगा टीकाकरण। अब कंपनी नहीं कर पाएगी आपका खराब स्मार्टफोन ठीक करने से इनकार, सरकार की राइट टू रिपेयर लाने की तैयारी। बिहार में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचायत का लिया जा रहा सहारा, अब मुखिया देंगे किसानों को जानकारी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो कोरोना के खिलाफ जंग में बहुत बड़ी कामयाबी, भारतीय वैज्ञानिकों ने वायरस के कमजोर पार्ट को खोजा। जी हाँ, कोरोना वायरस के खिलाफ इंसानों की जंग में भले ही दर्जनों वैक्सीन बन चुके हैं और लाखों इंसानों की जान बची हो, लेकिन अभी तक कोरोना वायरस को खत्म करने के तरीके का इजाद नहीं हुआ था। लेकिन अब भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के कमजोर नस को खोज कर लिया है, लिहाजा अब कोरोना वायरस को ही खत्म किया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ जंग में इंसानों को मिली है बहुत बड़ी कामयाबी है। भारतीय मूल के एक शोधकर्ता के नेतृत्व में एक टीम ने SARS-CoV-2 के सभी प्रमुख वेरियंट्स के कमजोर स्पॉट की खोज कर ली है, जिसकी वजह से अब कोरोना वायरस को काफी आसानी से खत्म किया जा सकता है। यानी अब उन दवाओं का काफी आसानी से निर्णय लिया जा सकता है जिसके खाने के बाद इंसानों के शरीर में मौजूद कोरोना का वायरस खत्म हो जाएगा और इंसान इस जानलेवा वायरस से बच जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इमरजेंसी में खतरनाक हथियार खरीद सकेंगे सैन्य बल, कम समय में चीन पाक को मिलेगा जवाब। जी हां, चीन और पाकिस्तान को लेकर भारत की एक और बड़ी तैयारी है, सरकार की ओर से भारतीय सैन्य बलों को इमरजेंसी में खतरनाक हथियार खरीदने को लेकर जल्द ही अधिकार दिए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारतीय सैन्य बल इन हथियारों को सीधे तौर पर बेहद तेज गति से पा सकेंगे। बताया गया है कि इन अधिकारों के तहत सैन्य बलों को यह अधिकार मिल जाएंगे कि वे जरूरत पड़ने पर कोई भी हथियार और उपकरण खुद ही खरीद सकेंगे। इससे सैन्य बलों को और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारतीय सैन्य बलों को इमरजेंसी के समय हथियार खरीदने का अधिकार देने संबंधित फैसले पर अगले हफ्ते होने वाली रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा हो सकती है। यह अधिकार सैन्य बलों को मिल जाता है तो उन्हें जंग के समय किसी भी स्थिति से निपटने में मदद के लिए तेज गति से नए या पुराने हथियार खरीदने का अधिकार मिल जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ स्कूलों में लगेगी स्मार्ट क्लास, 45,000 से अधिक शिक्षकों को हर साल मिलेगी ट्रेनिंग। जी हां, छत्तीसगढ़ के स्कूली छात्र अब स्मार्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे, इसके लिए स्कूलों में संपर्क टीवी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। यह कार्यक्रम एक और जहां बच्चों को गणित और अंग्रेजी से कठिन विषयों को सरलता से समझने में मदद करेगी, वहीं इससे प्राथमिक स्तर के बच्चों की शिक्षा रुचिकर बनेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में गणित के लिए और अंग्रेजी के लिए 19 जिलों के 30,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के प्राथमिक स्कूल के बच्चों के सीखने के परिणामों को बढ़ाना है। इस सहयोग का प्राथमिक लक्ष्य संपर्क स्मार्ट शालाओं को पढ़ाने के लिए अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करके बच्चों के लिए सीखने को रोचक, सार्थक और प्रभावी बनाना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रेशर हॉर्न बजाने पर कटेगा चालान, ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की मुहिम। जी हां, ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस अब बेहद सख्त हो गई है। अगर आप दिल्ली में वाहन चलाने के दौरान प्रेशर हॉर्न बजाते हैं तो इसके लिए भारी भरकम जुर्माना
देने के लिए तैयार हो जाइए। राजधानी दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर करने वालों का चालान काटने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस उन लोगों को दंडित करेगी जो अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न और बाइकों में बदले साइलेंसर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर चालान जारी किए जाएंगे। प्रेशर हॉर्न बजाने पर वाहन चालकों को 10,000 रुपए का चालान देना होगा और अगर नो हॉर्न जोन में ऐसी गलती करने पर 2,000 रुपए अतिरिक्त जुर्माना भरना पड़ेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।